जबकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को याद भी होगा कि गोधरा में जो भी हुआ उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और उसकी रिपोर्ट भी आई थी आप लोगों को शायद याद हो, लालू प्रसाद यादव ने का उसमें बाकायदा बयान था पार्लियामेंट के अंदर कि गोधरा में जो कुछ हुआ है बोगियों के अंदर से आग लगाई गई और वहाँ पे बहुत दिनों से वो कार सेवक के नाम पे जो इनके आतंकवादी थे वो लोग वहाँ के लोगों को अक्सर परेशान करते रहते थे। इस चीज़ की रिपोर्ट भी अखबारों में छपी थी कि इन चीज़ों को रोका जाए, लेकिन मेरा ये मानना है और ये बात फैक्ट भी है कि गोधरा में गोबियों के अंदर उन्हीं लोगों ने आग लगवाई थी जिन लोगों ने बाद में उसका सहारा लेके कत्लेआम कराया गुजरात में। उनके किसी सबूत की जरूरत नहीं, आप लोग देखते होंगे टीवी पे उनके बयान देखते होंगे, अखबार में उनके बयान सब लोगों को मालूम है, लेकिन आपको पता है कि इतने दिन से जांच चल रही है। जांच किस बात, जो आदमी खुलेआम हत्यारा हत्या कराई है, लोगों को मासूमों को कत्ल किया, बच्चों को कत्ल किया है, उसकी तमाम सब सबूत उसकी वीडियो फिल्में मौजूद है, तब भी जांच चल रही है। और अगर एक आईपीएस अफसर ने इस बात को रखा कि हम बेकसूर लोगों को बिना वजह कत्ल नहीं होने देंगे, उसका बाद में जब मोदी के खिलाफ मुकदमा होने वाला हुआ उसका बयान दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको संजीव भट्ट को जेल के अंदर ढूंढ लिया गया। हम तमाम अमन पसंद लोग, इंसानियत पसंद लोग, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कोई जायज बात करने के लिए जेल के अंदर चला गया है, अगर कोई जायज बात पे किसी तानाशाह ने उसको जेल के अंदर करा है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज इलाहाबाद में हम तमाम इंसानियत पसंद लोग संजीव भट्ट की तरफदारी में खड़े हैं और हम लोग इसको एक आंदोलन की शक्ल देंगे अगर संजीव भट्ट को रिहा नहीं किया गया। आज इसी बात के लिए कल हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठ कर नमीज से और तमाम लोग थे उन लोगों के साथ बैठ कर कल रात में एक प्रोग्राम बनाया। वैसे तो लोग आप लोग देखते रहते हैं कि सिविल लाइन्स में तमाम लोग जमा होकर मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं, हमने ये कोशिश करी है कि हम इस जगह पे दो वजह से कि एक तो ये है कि सिविल लाइन के रामदल इस वक्त चल रहा है, दशहरे का मौसम माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको अदरवाइज न ले, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा। और हम इस बात को भी मानते हैं कि हम लोगों का बनावटी कोई उस तरह की शक्ल नहीं होनी चाहिए कि हम मीडिया के सामने जाकर खुद खड़े हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं मीडिया को खुद से आना चाहिए और यहाँ पे कुछ लोग पहले से आ चुके हैं, तो हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ लोगों से चाहेंगे अपने अपना इजहार ख्याल करें। मुजफ्फर भाई आप आइए और अपनी बात रखिए। तमाम अमन पसंद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी मजम्मत करें और उनके समर्थन में खड़े हों, इसलिए आज हम लोगों ने पुलिस ने पुतला नहीं फूकने दिया आपको, पुलिस ने पुतला नहीं फूकने दिया, तो आप इसको ये मान लीजिए कि चाहे ये स्टेट उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लोग दिन ब दिन डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। ये सरकारें बिल्कुल आम आदमी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, गरीबों से इनका मतलब नहीं है, बड़े लोगों की पॉलिसीज बना रही हैं, इस चीज़ चाहते हैं कि कोई भी धरना प्रदर्शन इसलिए ना हो कि आम आदमी अपनी आवाज़ उठा पाए। नाम बनाया जाता है।